Hi guys, good morning. My name is Bhumi and my channel name is Little Lover by Bhumi. And आज मैं आपके लिए ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग रहेगा. आज मैं आपके साथ में एक चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, द रिव्यू ऑफ L'Oreal प्रोफेशनल हेयर स्पा. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैंने 10-15 डेज पहले यूज़ करना शुरू किया था एंड मुझे किसी मेरी फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था. एक्चुअली द थिंग इज दैट कि एक दो साल पहले मैंने हेयर कलर करवाए थे जिनके कारण मेरे काफ़ी हेयर ड्राई हो गया था एंड आपके ये जो मीन्स काफ़ी ड्राई होने के कारण ना मेरे हेयर ऐसे हो गए थे कि मतलब आप ये सोच सकते हो कि मतलब गाय के पूंछ मेरे हेयर से बहुत अच्छे थे. सो मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड करने के बाद में मैं ये ले आई हूँ एंड ये आपका L'Oreal प्रोफेशनल पैरिस है, ये आपका शैम्पू एंड ये आपके हेयर मास्क. ठीक है, इससे पहले मैं नॉर्मली मैट्रिक्स से शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती थी बट इसको यूज़ करके मेरे हेयर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं. इवन वन टाइम में ही जब मैंने वन टाइम ही यूज़ किया था तभी से मेरा हेयर में काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं. तब मैंने सोचा कि एक बार इसके इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे रिव्यू शेयर कर दूँ. ये देखिए L'Oreal प्रोफेशनल पैरिस शैम्पू है ये एंड ये है मास्क. ठीक है, जो बोला जाता हेयर स्पा भी कहते हैं एंड हेयर मास्क भी कहते हैं. ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश योर हेयर विद दिस प्रोडक्ट. शैम्पू से आप हेयर वॉश करोगे एक्चुअली एंड इसके बाद आप अपने हेयर को ड्राई करोगे. ड्राई मीन्स थोड़ा बहुत अच्छा से पानी जितना ना हो उतना ड्राई करके अब ये जो हेयर मास्क है वो आपके पूरे हेयर पे लगा दोगे. ठीक है, ये लगाने के बाद में आपको कम से कम आपको 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स आपको कैरी करना है, हेयर पे ही लगा के रखने हैं. उसके बाद में आप नॉर्मल हेयर वॉश कर सकते हो और उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो. अब आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी हेयर वॉश करके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे आपको हेयर मास्क लगानी है. ओके, सो जस्ट गिव मी अ 5 मिनट्स, मैं आपने हेयर वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हेयर मास्क आपको कैसे लगाना है. ओके, डन. सो हाय गाइस, मैं अपने हेयर वॉश करके आ गई हूँ. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा आप ये जो हेयर मास्क है, शैम्पू तो मैंने यूज़ कर दिया, अभी हेयर मास्क को कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो दिखाती हूँ. ठीक है, तो देखिए मैंने अपने हेयर को भी थोड़ा सा कॉम भी कर लिया है एंड ये मैंने हेयर मास्क ले लिया. इसको आप ये हल्का हल्का सा करके अपने जैसे आप पार्लर में जो हेयर स्पा करते हैं ना वैसे ही करोगे आप, हल्का हल्का सा करके, एक भी हेयर ना बचे. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप ये थोड़ा थोड़ा करके आप हेयर पर लगाओगे. आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ. नॉर्मली ये सब मैं वॉशरूम में जब वॉश करने जाती हूँ या फिर जब बात करती हूँ नहाती हूँ तभी ये कर लेती हूँ. जब मैं आपके सामने इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ, आप सबको दिखा पाऊँ कि हाँ ये यूज़ कैसे करने हैं. सो गाइस, मैंने ये कम्प्लीटली लगा लिया है अपने हेयर पे. ये देख सकते हैं एक भी कोना ऐसा नहीं है, जो एक भी हेयर ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं लगाया. मैंने कम्प्लीटली लगा लिया है इसे. उसके बाद हम इसको बर्न कर देंगे कुछ समय तक के लिए, हेयर बर्न करके रखेंगे इसको. चाहे वो आप ग्लू के थ्रू से कीजिए, चाहे वो आप रबर बैंड वगैरह से, है ना. इसको थोड़ा सा लॉक करके रखिएगा 10-15 मिनट के लिए एंड 10-15 मिनट के बाद में आप इसे वॉश कर लीजिए. फिर खुद ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको कितना यूज़फुल रहेगा. ठीक है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये रिव्यू ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये ओरिजिनल रियल में बहुत अच्छे से काम करता है. एंड इसके बाद मैं आपको फाइनली वॉश करके वापस एक बार दिखा देंगे. सो गाइस, मैं अपने हेयर वॉश करके आ गई हूँ और आप देख सकते हो. ठीक है, मैं आपके सामने ही ये अच्छा से मैंने ड्राई भी नहीं किया और
काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी स्मूथ फील होता है, इवन स्मूथ है एक्चुअली, आप ये देख सकते हो। और आप खुद जब यूज़ करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा रिव्यू का कितना मीन्स कितना रियल रिव्यू और कितना फेक रिव्यू, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप यूज़ करोगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब आपको ऐसे फील होगा कि जैसे कि आपने हेयर स्पा ही करवाया। आप देख सकते हैं अभी जिस मैं वॉश करके आई हूँ, देखिए बहुत अच्छे स्मूथ हो जाता है, अच्छा स्मूथ, और आपके जो हेयर ड्राई होके जो आपके ये टूटने जो लगते हैं वो भी अच्छे होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। अभी तो मैंने सिर्फ 10 डेज ही यूज़ किया है एंड होपफुली मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ तो बाकी के समय पर और भी अच्छा हो जाए। As I said, my channel is new and this is my first blog and the first review also. So I need your support, your help. मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के पास वीक में एक या दो वीडियो तो एनी हाउ जैसे भी करके अपना टाइम निकाल के मैं ये ब्लॉग बनाया करूँगी और मैं आप लोगों को ये रिव्यू दिया करूँगी। एंड दूसरी चीज़ है कि हम जो कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके डेली ब्लॉग्स बनाने के लिए, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। सो टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।